सुबह को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों? क्या हर सवाल का जवाब आपके पास नहीं है कि विकास दुबे ने ऐसा क्यों किया और आज सरेंडर किया है या उसको कह सकते हैं पकड़ा गया है? आज बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। कुछ सवाल है, मैं पहले आपको सवाल बता देता हूँ जिन सवालों पर आज राजनीति हो रही, जिन सवालों पर आज लोग विपक्ष आज पक्ष पर ताना मार रहे हैं, वो पहले सवाल देख लीजिए। क्या खुद को बचाने के लिए रची विकास दुबे ने साजिश, या विकास दुबे की गिरफ्तारी सुनियोजित तरीके से की गई? फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा विकास? विकास दुबे को जानबूझकर गिरफ्तार कराया गया, पर्दे के पीछे कौन था विकास का रखवाला? पांच सवाल हैं, इन्हीं सवाल पर आज राजनीति हो रही है और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं कि आखिरकार क्या हुई थी पूरी की पूरी दास्ता। बता दें आपको, 10 राज्यों की पुलिस यूपी के जिस गैंगस्टर को ढूंढने में लगी थी उसको उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये कि विकास दुबे गिरफ्तार हुआ या फिर सरेंडर हुआ, पूरी कहानी खुद ही रची। क्या यह विकास इस अजब सरेंडर की गजब कहानी है? बता दें 10 राज्यों की पुलिस यूपी के जिस गैंगस्टर को ढूंढ रही थी उसको उज्जैन में पकड़ लिया गया है। जिस तरह से, क्या ये विकास के इस अजब सरेंडर की गजब कहानी है? क्योंकि तारीख 9 जुलाई, जगह महाकाल मंदिर उज्जैन। खबरें विस्तार से बताते हैं, महाकाल का दरबार एक ऐसी जगह है जहां देश दुनिया के लोगों के लिए मुश्किलें दूर होती हैं। उसी महाकाल के दरबार में एक गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई। कहते हैं ना कि अपराध को तो भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे, जिसकी तलाश यूपी से लेकर दिल्ली तक चल रही थी, जिसके होने का अंदेशा पहले दिल्ली और फिर नोएडा में जताया जा रहा था। नोएडा की हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी और वो अचानक उज्जैन से जा मिला। जिस विकास दुबे के लिए हम बॉर्डर पर निगरानी रख रहे थे, हर चेहरे से मास्क हटाकर देखा जा रहा था, वो आखिर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक कैसे पहुंच गया? क्या विकास दुबे एक बार फिर यूपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, या फिर उसके कनेक्शन एक बार फिर यूपी पुलिस पर भारी पड़ गए? महाकाल के दरबार में विकास की गिरफ्तारी का आखिरी पूरा सच क्या है वो बता दूं आपको। फरीदाबाद से बुधवार को भाग विकास दिल्ली में हो सकता है, इसकी जानकारी थी, लेकिन आखिर में उसने एमपी में ही जाकर सरेंडर क्यों किया? गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें जब सामने आई तब उसमें विकास दुबे नंगे पैर महाकाल मंदिर के अंदर चलता दिख रहा है, साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गार्ड ने ही मंदिर में विकास दुबे को पहचाना और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद विकास की गिरफ्तारी हो गई। बता दें आपको, मंदिर में मौजूद पुजारी के मुताबिक विकास दुबे के पास दर्शन की वीआईपी स्लिप भी मौजूद थी, जिसका मतलब यह है कि किसी वीआईपी की मदद से उसने वो पर्ची हासिल की, जिससे भीड़भाड़ से बचकर दर्शन कर सके। विकास ने मंदिर में अपनी पहचान छिपाने के लिए चश्मा भी लगाया था। विकास यूपी के 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का जिम्मेदार है, उसकी तलाश यूपी पुलिस की 100 से ज़्यादा टीमें कर रही हैं, लेकिन वो मिला एमपी में और अब एमपी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आखिर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ या फिर उसने सरेंडर किया, अपने आप को बचाने की साजिश खेली, या 5 बड़े जिनकी वजह से आज, जो हमने 5 सवाल बताए हैं इन्हीं की वजह से आज विकास दुबे अभी तक उन सवालों का जवाब नहीं मिला है, इसीलिए आज पूछताछ आज या कल में होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी राजनीति पार्टी है, कौन सा वो दल है, कौन से वो लोग हैं जो विकास दुबे को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या उन्हें स्वदेश से प्रेम नहीं है? क्या उन्हें अपने देश से प्रेम नहीं है जो वो इस आतंकवादी का नाम लेते हैं और इसे बचाने की कोशिश करते हैं? आखिरकार इसने अपने गांव में तहलका मचा रखा था। इसी विकास दुबे से राजनीति चलती थी, इसी विकास दुबे ने ठेका ले रखा था कानपुर से किसी भी सरकार को जिताने का।
क्योंकि वोटिंग के टाइम सरकारें कनेक्ट करती थी विकास दुबे, उनसे बातचीत करती थी कि इस बार हमें जीतना है और हमें जिताइए। तो विकास दुबे उनके लिए षड्यंत्र रचता था। विकास दुबे बात करता था आम नागरिक लोगों से और कहता था, धमकी देता था कि सरकारें हैं साहब, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन आपका क्या होगा जब आप नहीं रहेंगे। लोग डर जाते थे और डरने के बाद वोट देते थे जिसको विकास दुबे जिताना चाहता था। यानी कि आज से नहीं 10-15 सालों से यही हो रहा था और वहां के निवासी इतना डर चुके थे, क्योंकि आपने भी देखा कि विकास दुबे के घर में जो तोड़ाई हो रही थी तो उसने दीवारों में कुछ ज्वलनशील पदार्थ चुनवा रखे थे। यानी कि बंकर भी बना था, बंकर में अस्त्र और शस्त्र भी मिले थे, जिससे कि पता चलता है कि विकास दुबे मामूली इंसान नहीं बल्कि एक गैंगस्टर था और सचमुच बड़ा आतंकवादी था। इसी आतंकवादी की वजह से एक राजमंत्री और एक आठ पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और उसमें से 7-8 घायल हो जाते हैं। इन जैसे आतंकवादियों को अगर इसी वक्त सही समय पर दबा नहीं दी जाएगी तो लगातार आतंकवाद बढ़ता रहेगा। बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, कि इतना बड़ा गैंगस्टर की फाइल अभी तक क्यों नहीं खुली। एक राज्य मंत्री को खुले तौर पर थाने में जाकर गोली से मार दिया जाता है, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी। कोर्ट में इसके गवाह नहीं मिले, फिर भी कुछ न कुछ लोग थाने में तो रहे होंगे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई, उसके बाद ये कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई। जहां तक कि सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी आई थी कि विकास दुबे की कोई फाइल ही थाने में नहीं है, फाइल ही हटा दी गई है। यानी इतना बड़ा क्रिमिनल, यूपी का सबसे नंबर वन कह सकते हैं गैंगस्टर, अभी तक कोई नहीं हुआ जितना विकास दुबे था। इसीलिए हर एक पाप का घड़ा भरता है और विकास दुबे का पाप का घड़ा भरा महाकाल के मंदिर में जाकर, जहां पे सचमुच इंसाफ होता है, इंसाफ की जीत होती है, वहीं पर विकास दुबे की कहानी खत्म होती है। यानी कि विकास दुबे को ये पता था कि अगर हम मंदिर में जाएंगे तो शायद हम पे गोली नहीं चलाएंगे। इसमें कुछ ना कुछ बड़ी बात है, क्योंकि इतनी दूर ऐसे ही नहीं पहुंचा। कब और कैसे, कब बड़ा खुलासा होगा ये देखना बाकी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। ये सच बात है, वर्ली यूनियन डंके की चोट पर गहरा है, कुछ ना कुछ जरूर है, नहीं तो कानपुर से उज्जैन की दूरी इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा अपराधी नहीं कर सकता। इसके पीछे बड़ी चाल है, बड़ी पार्टी है, बड़ी वजह है और एक से पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं। और क्या उन्हीं ने, आपको सोचिए, उन्हीं लोगों ने उकसाया होगा कि सरेंडर कर दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो अगर विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कर देते तो इनका घर ना गिरता, इनका घर ना तोड़ा जाता, इनकी जो कारें थी वो ना तोड़ी जाती। लेकिन ये घटना को अंजाम देकर वहां से भागा था, इसीलिए पुलिस को मजबूरन इसकी गाड़ियां और इसके घर तोड़ने पड़े। और आज खुद अपने आप को सरेंडर करने की बात, इसमें कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सरेंडर किया ही गया है, क्योंकि अगर उसे सरेंडर ना करना होता तो उस भीड़ में ना जाता, महाकाल के दर्शन करने ना जाता। इसमें बड़ी साजिश है, बड़ी चाल है, सब लोग को समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए अगर जो लोग जानते हैं, सही सटीक जानकारी जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए, ताकि पता चले, देश दुनिया जाने कि हाँ आम नागरिक भी कितनी बड़ी खबर रखते हैं, आम नागरिक की भी कितनी बड़ी सोच है। तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो उसकी सच और सच्चाई दुनिया के सामने होती है। अगर आप वीडियो देखकर अपने पास दबा लेते हैं तो वो वीडियो वहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब आप उसी वीडियो को शेयर करते हैं तो दुनिया देखती है, और जब आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, जिससे कि पता चलता है
कि हाँ सचमुच आप जो है एक राजनीतिज्ञ है, आप राजनीति में पकड़ रखते हैं, क्योंकि यूं ही कोई कमेंट नहीं करता, कमेंट वही करता जो पूरी खबर जानता है, जो खुद मोर्चा संभालना जानता है, जो खुद देश का रखवाला बनता है। वीडियो समाप्त करूंगा, अनुरोध करता हूँ वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।